लोकसभा के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। पीएम मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। इधर दिल्ली प्रधानमंत्री के आवास पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश हुई। आज शाम 4 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने दोनों को कल फोन कर बैठक में शामिल होने को कहा था। एनडीए की बैठक के बाद सभी सहयोगी दल आज ही पीएम मोदी के पक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा को सरकार बनाना मुश्किल है।